कि पंजाब कांग्रेस में घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब कांग्रेस में आपसी खींचतान लगातार जारी है। इस बीच हरीश रावत ने भी एक अहम बैठक की। हरीश रावत को मिलकर आए विधायक राजा वडिंग ने बताया कि उन्हें बुलाया गया था। हरीश रावत ने कोई निजी तौर पर काम सौंपा है जिसके लिए वो यहाँ पर आए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू के दिल्ली जाने को लेकर वर्निंग ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, सिर्फ मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। वहीं दो मंत्रियों को हटाए जाने के सवाल पर वर्निंग ने कहा कि इस बारे में अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, और अगर ऐसी कोई जानकारी होगी तो पहले मीडिया को पता होगी, और मेरे पास कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। नादुमीर को मीटिंग के बारे में पता है कि कोई होनी थी कि वो रद्द हो गई है। हरीश रावत जी ने मेरे को बुलाया था और कुछ मेरे को उन्होंने कोई चीज़ बोली है कुछ करने के लिए, तो वो उनकी बात सुन के मैं यहाँ पर आया। भैया पता नहीं कि सिद्धू साहब आला कमान से मिलने गए थे कि नहीं थे आपके, मैंने मीडिया के माध्यम से मेरे को पता चला कि सिद्धू साहब गए थे, और वो मिले कि नहीं मिले, और मेरे को ये भी नहीं पता कि सिद्धू साहब मिलने उनको गए थे कोई और काम के लिए गए थे, इस बात की मेरे पास जब जानकारी नहीं है तो मैं उसकी पुष्टि कैसे करूं। यार मेरे पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, सच बता रहा हूं आपको, कि कोई मंत्री हट रहा है कि नहीं हट रहा, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और अगर ऐसी कोई जानकारी होगी सबसे पहले तो आपको पता चलेगी कि फलां बंदा हट रहा है फलां नहीं हट रहा, लेकिन ऐसी कोई बातचीत अभी मेरे पास या मेरी नॉलेज में, और ये मेरे पास अधिकार नहीं है। जो तीसरी बार भी, ये कांग्रेस का कल्चर है, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा बिफोर इलेक्शन ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, जहाँ आफ्टर इलेक्शन वो तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। हो सकता है वो कहें कि राजा वडिंग को मुख्यमंत्री बना दो भैया, लेकिन मेरे कहने का मतलब सुनिए, ये किसी को कोई पता नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री। सर राणा सोडी जी कह चुके हैं कि जो सीएम होगा वो कैप्टन अमरिंदर सिंह। मैं कह रहा हूं कि मैं यही तो मेरे में, मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूं। अगर मैं अध्यक्ष रहकर और किस सिस्टम के करीब रहकर अगर मैं ये जान नहीं पाया कि कब अनाउंसमेंट होता है मुख्यमंत्री और कौन अनाउंस करता है, तो शायद मेरे को फिर सिस्टम के करीब।